दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो अपन बात कर लेते हैं अभी जो मार्केट है, मार्केट अभी देख सकते हैं कि 123 ट्रिलियन डॉलर के आसपास अभी यहां पर चल रहा है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले मार्केट में कुछ न्यूज़ आई थी कि उस वजह से जो मार्केट था पूरा का पूरा यहाँ पर डाउन चला गया था। और जो कि मैं आपको बता दूँ, बिटकॉइन का प्राइस था यहाँ पर 32 लाख के आसपास चल रहा था कि 32 लाख के आसपास चल रहा था, लेकिन अभी देख सकते हैं कि 26 लाख के आसपास इसका करंट प्राइस आ चुका है। और जिसमें मैं आपको बता दूँ, पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो BTC की प्राइस देख सकते हैं 26,65,000 के आसपास अभी देखने को मिल जाएगी। और ऐसे में अगर अपन बात कर लेते हैं तो अपन को देखने को मिल जाता है जो यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट 123 ट्रिलियन डॉलर के आसपास यहाँ पर है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पिछले 24 घंटों के यहाँ पर जो मार्केट है 3.70% अभी भी यहाँ पर डाउन जा रहा है। और ऐसे में अगर अपन बात कर लें तो अपने को देखने को मिल जाएगा कि जो यहाँ पर BTC के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट फिर से थोड़ा यहाँ पर रिकवर हुआ है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में मार्केट ने भी 3% का यहाँ पर अप कर लिया है। और ऐसे में अपन बात कर लेते हैं टॉप 3 कॉइन्स की, जिनको आप बाय करके बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो आने वाले समय में। लेकिन अगर अपन बात करें अभी BTC की, अगर अपन भी बात कर ले तो BTC का जो पिछले 24 घंटों का यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका BTC का हाई प्राइस है पिछले 24 घंटों का, आप देख सकते हैं अपन 26,88,000 के आसपास है। और इसकी जो लो प्राइस चली गई थी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 25 लाख के आसपास इसकी प्राइस पहुँच गई थी। और फिर से यहाँ पर जो इसकी प्राइस ने रिकवर किया है, इस वजह से जो मार्केट है, मार्केट ने भी फिर से रिकवर करना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर मार्केट भी अच्छा खासा ऊपर की ओर जाने लगा है। और यहाँ पर जो BTC का प्राइस है वो भी 26,66,000 के आसपास यहाँ पर आ चुका है। जैसा कि मैं आपको बता दूं चार्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर ले तो चार्ट यहाँ पर देख सकते हैं 26 लाख के आसपास था, और फिर यहाँ पर 25 लाख के आसपास यहाँ पर डाउन चला गया, तो फिर से अप गया और थोड़ा फिर से अभी नीचे की ओर जाने लगा है। अगर अपन बात करें पिछले 7 डेज की, तो पिछले 7 डेज की अगर अपन चार्ट की बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर जो इसका चार्ट था वो ऊपर की ओर चल रहा था। लेकिन जो अभी रसिया की तरफ से न्यूज आई, इस वजह से पूरा मार्केट फिर से यहाँ पर डाउन चला गया। जैसा कि मैं आपको बता दूँ पिछले 3 मंथ्स का अगर अपन देखें तो जो मार्केट था बहुत ही अच्छा खासा चल रहा था उस वजह से, लेकिन फिर से यहाँ पर देख सकते हैं लगभग यहाँ पर देख सकते हैं 50 लाख के आसपास की प्राइस चल रही थी मार्केट में। कजाकिस्तान की तरफ से एक न्यूज आई और फिर यहाँ पर रशिया की तरफ से, तो इस वजह से जो मार्केट पूरा का पूरा यहाँ पर डाउन चला गया था। और ऐसे में अगर अपन बात कर लेते तो मार्केट है, मार्केट फिर से रिकवर करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब अपन बात कर लेते हैं टॉप 3 कॉइन्स की, जिनको आप बाय करके बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो आने वाले समय में। बता दूँ पहले नंबर पर जो मैंने कॉइन रखी उसका नाम है सोलोना कॉइन। जैसा कि मैं आपको बता दूँ जिस कॉइन का प्राइस अभी करंट प्राइस चल रहा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 7,704 रुपये के आसपास है। और जो कि इसके पिछले 24 घंटों की हाई प्राइस की अगर अपन बात करें तो हाई प्राइस देख सकते हैं पिछले 24 घंटों के यहाँ पर 7,778 रुपये के आसपास है। और जो इसकी लो प्राइस चली गई थी तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूँ कुछ समय पहले बहुत ही मार्केट डाउन चला गया था, इस वजह से जो इसकी प्राइस थी वो पिछले 24 घंटों में आप देख सकते हैं 6,644 रुपये के आसपास की प्राइस आ चुकी थी। जिसमें कि अभी जो करंट प्राइस है इसकी, अभी करंट प्राइस के हिसाब से अभी जो इसका प्राइस है वो 4.96% का अभी ऊपर की ओर जा रहा है। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं अभी थोड़ा रुक कर आप इस कॉइन को बाय कर सकते हो, जो कि आपको आने वाले समय में बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करके दे सकता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं पिछले 24 घंटों का जिसका लो प्राइस है, और जो यही है इसका पिछले 1 मंथ का लो प्राइस। और अगर अपन बात कर ले इसके पिछले 1 मंथ की हाई प्राइस, तो आप देख सकते हो कि जो इसकी पिछले 1 मंथ की हाई प्राइस है वो आपको 15,224 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगी। और अगर अपन बात करें तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो इसका चार्ट है, अगर अपन चार्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें सोलोना कॉइन की, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सोलोना कॉइन का चार्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि पिछले 24 घंटों में थोड़ा रिकवर हुआ है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं जो इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम वगैरह है, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम में जो इसकी है पिछले 24 घंटों में थोड़ा डाउन आ रहा है, 15.92% का डाउन जा रहा है। लेकिन मार्केट का मार्केट क्या यहाँ पर देख सकते हैं 4.94% और 4.94% ऊपर की ओर जा रहा है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ जो इसका चार्ट है वो चार्ट भी आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटों का, तो ये पिछले 24 घंटों का इसका चार्ट थोड़ा यहाँ पर देख सकते हैं कि डाउन जा रहा था, फिर से यहाँ पर रिकवर किया है और ऊपर की ओर जाने लगा है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ पिछले अगर पिछले 7 डेज का इसका चार्ट की अकॉर्डिंग बात करें तो इसका पिछले सॉलिड ना कॉइन का पिछले 7 डेज का जो चार्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 11,000 के आसपास यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रहा था, लेकिन अभी जो इसका प्राइस है वो 7,000 रुपये के आसपास आ चुका है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ पिछले 1 मंथ के अकॉर्डिंग इसकी बात करें तो पिछले 1 मंथ में जो इसका प्राइस था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 15,000 के आसपास था, लेकिन अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो 7,000 रुपये के आसपास चल रहा है। तो अभी आप इस कॉइन को बाय कर सकते हो, जो कि आपको आने वाले समय में बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करके दे सकता है। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, जैसे कि अगर अपन देखें तो इसका जो पिछले 3 मंथ्स का अगर चार्ट देखें
तो जो पिछले 3 मंथ्स का जो इसका चार्ट है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं कि 18,000 रुपये के आसपास इसका परफॉर्मेंस कर रहा था और उससे भी ऊपर की ओर जा रहा था, लेकिन अभी जो इसका इनका प्राइस है वो 7,000 रुपये के आसपास है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 10,000 रुपये का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो आप इस सोलाना कॉइन को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लें और ये जो कॉइन है आपको आने वाले समय में जैसे ही मार्केट रिकवर करेगा तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करके दे सकता है आपको। और मैं आपको बता दूँ दूसरे नंबर पर जो कॉइन है, मैं आपको बता दूँ दूसरे नंबर पर मैंने कॉइन रखा है डॉग कॉइन। जैसे कि मैं आपको बता दूँ जो डॉग कॉइन का भी करंट प्राइस है वो आप देख सकते हो यहाँ पर कि 10 रुपये के आसपास का अभी करंट प्राइस चल रहा है, मतलब 10 रुपये 51 पैसे के आसपास का प्राइस चल रहा है। जो पिछले 24 घंटों में अगर अपने बात करें तो 10 रुपये और 61 पैसे के आसपास इसका पिछले 24 घंटों का हाई प्राइस गया था। लो प्राइस की अगर बात करें तो लो प्राइस अपन देख सकते हैं यहाँ पर 9 रुपये 43 पैसे के आसपास था, जिसमें कि अगर अपन बात करें तो पिछले 24 घंटों में अभी जो इसका प्राइस है वो 9.65% ऊपर की ओर जा रहा है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि जो इसका 10 रुपये के आसपास का हाई प्राइस है, और अगर अपन बात कर लेते हैं पिछले 1 मंथ की तो पिछले 1 मंथ का जो इसका लो प्राइस है वो 9 रुपये के आसपास, 9 रुपये 14 पैसे के आसपास है। और अगर अपन बात करें पिछले 1 मंथ की इसकी हाई प्राइस, तो आप देख सकते हैं कि डॉगकॉइन का पिछले 1 मंथ का जो हाई प्राइस है वो 15 रुपये 12 पैसे के आसपास है। तो आप अपने पोर्टफोलियो में इस कॉइन को भी शामिल कर रख लें, क्योंकि जो कि डॉगकॉइन है आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करके देने वाला है आने वाले समय में। जैसा कि मैं आपको बता दूँ डॉगकॉइन का इसलिए पिछले 24 घंटों में यहाँ पर डाउन चल रहा था, यहाँ से फिर से अप होना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि पिछले 7 डेज का भी अगर अपन बात कर ले इसके चार्ट की, तो पिछले 7 डेज का जो इसका चार्ट है वो भी आपको यहाँ पर डाउन देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर अच्छा खासा चल रहा था और यहाँ पर डाउन आ गया। और अगर अपन बात कर लेते हैं पिछले 3 मंथ्स की, तो पिछले 3 मंथ्स का भी जो चार्ट है तो अपन देख सकते हैं जो पिछले 3 मंथ्स का चार्ट है वो आप देख सकते हैं डॉगकॉइन का 24 रुपये को भी क्रॉस कर गया था, वहाँ से सीधा यहाँ पर डाउन आ गया। तो अभी आप इस कॉइन को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रख लें, बाय कर रख लें, क्योंकि यह जो कॉइन है आपको आने वाले समय में जैसे ही अच्छा खासा इसका प्राइस जाएगा 15 रुपये 20 रुपये के आसपास फिर से मार्केट रिकवर करेगा। जब इसका प्राइस जाएगा तो वहाँ पर आप इस कॉइन के थ्रू बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। जैसे कि इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है, तो मैं आपको बता दूँ ट्रेडिंग वॉल्यूम जो इसका वो 23.87% अभी डाउन जा रहा है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ अब तीसरे नंबर की कॉइन के बारे में बात करें, तो तीसरे नंबर पर मैंने जो कॉइन रखी है उसका नाम है XRP। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ जो XRP कॉइन है यह भी आपको आने वाले समय में बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करके देने वाली कॉइन है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ पिछले 24 घंटों का इसकी हाई प्राइस की बात करें तो 46 रुपये 63 पैसे जो कि अभी कुछ समय पहले ही निकल कर आ रही है। और अगर हम बात करें इसकी जो लो प्राइस पिछले 24 घंटों की, तो आप देख सकते हैं 42 रुपये 34 पैसे के आसपास थी। और यहाँ पर अगर मैं बात कर लें तो अभी करंट प्राइस जो कि 5.95% ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो XRP कॉइन को भी आप बाय कर रख सकते हो। जैसा कि मैं आपको बता दूँ यहाँ पर देख सकते हैं पिछले 1 मंथ का इसका भी प्राइस देखें, तो इसका भी प्राइस आपको XRP कॉइन का पिछले 1 मंथ में 71 रुपये के आसपास देखने को मिला है। और यहाँ पर लो प्राइस देखें तो 42 रुपये के आसपास ही है। तो अभी आप इस कॉइन को बाय कर रख सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता दूँ चार्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो चार्ट था यहाँ पर डाउन जा रहा था और फिर से यहाँ पर अच्छा खासा ऊपर की ओर जाने लगा है, तो आप इस कॉइन को बाय कर रख सकते हो। जैसा कि मैं आपको बता दूँ पिछले 1 मंथ का जो XRP कॉइन का चार्ट है वो भी मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ पर देख सकते हो पिछले 1 मंथ का जो XRP कॉइन का चार्ट है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा खासा अप चल रहा था और यहाँ पर डाउन चला गया। तो अभी आप XRP कॉइन को वाई कर रख सकते हो। जैसे कि अगर अपन बात करें तो पिछले 3 मंथ्स का जो XRP कॉइन का चार्ट है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 100 रुपये के आसपास इसकी प्राइस आ चुकी थी, और अभी देख सकते हैं कि लगभग 50 रुपये के आसपास ही इसकी प्राइस चल रही है। तो अभी आप XRP कॉइन को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रख लें, क्योंकि जो कि यह कॉइन आपको आने वाले समय बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करके दे सकती है। तो थैंक यू दोस्तों, अपन वीडियो के पास समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करना भूलें। थैंक यू दोस्तों, तो अब अपन वीडियो के पास समाप्त करते हैं।